हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 वह है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। एनसीईआरटी में कहा है कि जो आम होते हैं, आम के जो फल होंगे जब उनसे बीज निकलेगा तो उससे ही आम का पौधा निकलेगा। अगर कोई हाथी है तो उससे हाथी के ही का ही बच्चा पैदा होगा। ये उन्होंने कहा कि हम जिस प्रकार जिस जात से हैं हम उसी प्रकार की संतान उत्पत्ति करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो एक पीढ़ी में है वही जब आगे आने वाली संतानों में जाती है तो ये लक्षण जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं वंशागत, यानी जो जिन लक्षणों को अपने आने वाली पीढ़ियों को देता चला जाता है वह वंशागत कहलाती है। विविधता क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे आम के कई पेड़ हैं लेकिन सबके आम के आकार, उनका स्वाद, उनका रंग अलग अलग है, तो एक प्रजाति एक जात का होते हुए भी उनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं विविधता कहते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए भी और नीट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है और इसमें काफ़ी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एनसीईआरटी में कुछ और बातें दी गई हैं कि आज से हजारों साल पहले किसानों को पता था कि जितना हम बड़ा बीज लेंगे, जितना स्वस्थ बीज लेंगे, उससे जो हमारी फसल होगी उतनी ही अच्छी होगी, पेड़ अच्छा होंगे। और जो बीज कमज़ोर हैं, दुबले हैं, छोटे हैं, तो उनको वो नहीं बोते थे, वो खाने के लिए प्रयोग करते थे। यानी किसान बहुत पहले ही जान गया था कि ये आनुवंशिकता फलों से बीजों में जब जाती है तो जो बीज मजबूत होंगे वो मजबूत लक्षण लिए रहते हैं। लेकिन इसकी वैज्ञानिक पुष्टि कब की गई? ये वैज्ञानिक पुष्टि की गई एक महान वैज्ञानिक के द्वारा जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम पढ़ते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे वो, और एक पादरी थे, साथ भी एक शिक्षक भी थे। अगर एक बात कहें तो बड़ी अजीब बात है, वो रिटन एग्ज़ाम में तो टीचिंग के पास हो जाते थे लेकिन उनके दो ओरल एग्ज़ाम हुए, वो दोनों ओरल एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, लेकिन एक महान वैज्ञानिक थे। लेकिन अब बात शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो किया, जो उन्होंने आनुवंशिकता के जो प्रयोग किए वो, तो उन्होंने चयन किया कि हम किसी ऐसे पौधों को लें। अगर आप खुद मेंडल की जगह होते तो आप खुद सोचिए कि आप किन पौधों को लेते। क्या उन पौधों को लेते जिनको लगने में कई साल लगते हैं, फल देने में कई वर्ष लगते हैं? तो नहीं लेते। आप ये सोचते कि हम उस पौधे को लें जो बहुत आसानी से, बहुत कम समय में जिसकी पैदावार हो जाती है, और उसके जो लक्षण हैं वो दिखने चाहिए, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं वो हमको दिखने चाहिए। नहीं दिखेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम किस प्रजाति का बीज लिए, उसके फल कैसे हुए, उसके फूल कैसे हुए। तो मेंडल ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया कि उसके लक्षण अलग अलग होने चाहिए और वो लक्षण दिखने भी चाहिए और वो जो पौधा है वो कम समय में तैयार हो जाए। तो मेंडल के जो आधार पर जो उनको बेस्ट लगा वो ये लगा कि मटर, हम मटर का पौधा लेते हैं, मटर कम समय में 3 से 4 महीने में हो भी जाता है और उसके सारे लक्षण क्या होते हैं, बाहर बाहर दिखते हैं आराम से स्पष्ट, उसमें विविधताएँ होती हैं, फूल के अलग रंग होते हैं, बीज के अलग रंग होते हैं, फली के अलग रंग होते हैं, उनका आकार अलग होता है, फूलों की स्थिति अलग अलग होती है। तो उन्होंने कई ऐसे लक्षण देखे, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया वो मटर के ऊपर किया, ये बात क्लियर हो गई। मटर को हम जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो है पायसम सटाइवम। हम मटर का जो वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है, इसको आप याद कर लीजिए, आप पहले से भी जानते होंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग 1856 से 1863 तक किए। नीट में सवाल पूछा गया है इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग 1856 से 1863 तक किए, लगभग 7 साल तक। मेंडल ने 7 साल तक सारा प्रयोग मटर के ऊपर किया और उन्होंने कई सिद्धांत दिए। जब उनका सिद्धांत आया तो वह वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, उसके कई कारण थे। उन्होंने इसमें गणित के प्रयोग किए हुए थे, पहली बार किसी वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान में गणित के प्रयोग किए थे तो वो नकार दिया गया। लेकिन उनकी बातें क्या थी, सत्य थी। उस समय तक वो ब्रॉड या उतनी थिंकिंग नहीं जा सकी थी वैज्ञानिकों की, तो उन्होंने इसके नियम को, मेंडल के नियम को खारिज कर दिया। यानी काफ़ी लोग उनके नियम से सहमत नहीं थे। लेकिन लगभग 3 दशक बाद, ध्यान से समझिएगा, 3 दशक 30 साल के आसपास, 3 वैज्ञानिक इरिक वॉन शेरमार, ह्यूगो डेविज और कार्ल पोरेंस, ये 3 वैज्ञानिकों ने
अनुवांशिकता के ऊपर प्रयोग शुरू किया। और जब प्रयोग शुरू किया तो उन्होंने पाया क्या कि मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था उस समय 1863 के बाद उनकी पब्लिक हुई नोट्स, उसमें जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत सही मामले में सही पाया गया। तो उन्होंने उसको पुनः डिस्कवर किया, किसके, मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की, किसके द्वारा, इगो डिविज, कार्ल कोलेस और इरिक वॉन सेरमाक के द्वारा। और इन्होंने मेंडल के नियम को ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित किया और फिर मेंडल के 3 नियम दिए, उनसे हम सभी परिचित हैं। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो पाइथागोरस ट्राइगोन के ऊपर। कब किया, तो 1856 से 1863, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और इसी, और जब इन्होंने ये खोज की तो ये जाना कि मेंडल जो हम अब 30 साल बाद प्रयोग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, मेंडल ने बहुत पहले ही दे दिया था। और इसीलिए मेंडल को क्या कहा गया, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और यह बहुत बड़ी बात थी किसके लिए, मेंडल के लिए, लेकिन मेंडल जीवित नहीं थे उस समय पर। तो यहाँ पे फिर मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए, ये नीट में भी पूछा जाता है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है कि मेंडल के कौन कौन से लक्षण थे, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि मेंडल ने किन लक्षणों को नहीं लिया था, इन 7 लक्षणों में। तो आप ये क्लियर समझ लीजिएगा। तो मेंडल जो पहले जो 7 नियम, 7 जो लक्षण लिए, इसको हम देखते हैं। जो पहला लक्षण लिया, जो कैरेक्टर लिया, यहाँ पे 3 टेबल बना हुआ है, एक लक्षण का ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रभावी विशेषक, यानी वो लक्षण क्या है, डोमिनेंट है कि नहीं, और तीसरा है अप्रभावी विशेषक, कि वो जो तीसरा यानी वो जो लक्षण है रिसेसिव, अप्रभावी है कि प्रभावी है। तो यहाँ 3 टेबल है, एक कैरेक्टर का लक्षण का, दूसरा प्रभावी का डोमिनेंट है कि नहीं, और दूसरा अप्रभावी रिसेसिव है कि नहीं। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज को समझिएगा कि अगर हम बीज के आकार की बात कर रहे हैं तो उनमें कौन सा डोमिनेंट है, प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, ऐसे 7 लक्षणों को हम देखेंगे और एक एक को क्लियरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला लक्षण था, उन्होंने लिया बीज का आकार, बीज यानी मटर के बीज को उन्होंने देखा, या आप भी देखे होंगे मटर के बीज गोल भी होते हैं और कुछ झुर्रीदार भी होते हैं, लेकिन होता क्या है, तो उन्होंने देखा कि ये जो मटर का बीज है वो गोल होता है। तो उन्होंने देखा कि गोल है, और गोल को उन्होंने देखा कि आगे जब उसके प्रयोगों में लाया मेंडल ने, तो पाया क्या कि वो करेक्टर जो है, गोल करेक्टर जो है वो प्रभावी लक्षण है। तो उन्होंने कहा कि जो गोल मटर के बीज होते हैं वो गोल जो आकार है, उसका शेप है, वो डोमिनेंट है, जबकि वहीं पे झुर्रीदार मटर जो होता है, रिंकल्ड जो सीड होते हैं, झुर्रीदार मटर जो होते हैं, ये जो कैरेक्टर्स है वो अप्रभावी है। तो यहाँ पे हम बात क्लियर हो गई, पहला लक्षण कि जो बीज के आकार में अगर वो गोल है तो प्रभावी लक्षण, झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी। और दूसरे लक्षण पे आते हैं, वो है बीज का रंग, सीड कलर। इस पॉइंट को समझिएगा, यदि बीज किस कलर का है, पीले रंग का है, यदि वो मटर का बीज पीले रंग का है तो वो प्रभावी होगा, अगर वो मटर हरे रंग का है, ग्रीन है, तो वो अप्रभावी होगा। यहाँ पे दूसरा लक्षण क्लियर होता है। हम तीसरे पे आते हैं, फूल का रंग, फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर को हम देखते हैं कि जो मटर का फूल अगर लाल है, यानी बैंगनी है, वायलेट कलर का है, बैंगनी कलर का है, तो वो प्रभावी होगा, जबकि जो सफ़ेद रंग का मटर है वो अप्रभावी होगा। ये तीसरा लक्षण। अब हम चौथा लक्षण देखते हैं, फली का आकार। यदि फली जो जिसमें मटर अंदर रहता है वो खुली हुई है, उसका आकार एक जैसा सिमिलर खुला हुआ है पूरा वाह, तो उसको हम कहेंगे प्रभावी कैरेक्टर्स, प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट ट्रेड है। अगर उसका जो मटर का फल है, उसकी फली है, वो बीज की तरह, बीज के साथ चटकी हुई है और इस आकार में है, सिकुड़ी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव ट्रेड, यानी वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। फिर पांचवा आता है, फली का रंग, पॉड कलर, इसको हम देखते हैं। यदि वो हरे रंग की, उसकी फली हरे रंग की है, ग्रीन है, तो वो क्या है, डोमिनेंट है। अगर वो येलो है तो वो क्या है, रेसेसिव है। यहाँ पे नीट में आपको क्वेश्चन उलझाने के लिए क्या कर देते हैं कि वो ये दे देंगे कि बीज का रंग, बीज के रंग में पीला क्या है, प्रभावी है, और हरा क्या है, अप्रभावी। जब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फली के रंग में जो हरा है वो क्या है, प्रभावी है, और जो पीला है वो अप्रभावी है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देते समय, नहीं, आपके माइंड में सेटअप हो जाता है कि येलो कलर जो होगा
वो क्या डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा, तो आप वही आंसर गलत दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर वो फली का रंग की बात कर रहा है, बीज के रंग के नहीं, फली के रंग की बात कर रहा है, तो वहाँ पे येलो कलर की अगर फली है, पीले रंग की है, तो वो अप्रभावी होगी, अगर हरे रंग की है तो वो प्रभावी होगी। तो यहाँ पे ये पांचवा करेक्टर उन्होंने लिया। छठा करेक्टर क्या उन्होंने देखा कि पुष्प की स्थिति, कि जो फूल है वो पौधे में कहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा अच्छी, यानी उसके एक एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पे फ्लावर निकला हुआ है, यानी पौधा जैसे आगे बढ़ा, जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई उसके एक एक अच्छे से, बाहर से अच्छे से एक एक फ्लावर निकला हुआ है। तो ये जब ऐसा पौधा होता है तो वो स्थिति में जो एक्सियल फ्लावर्स होते हैं वो जो लक्षण होता है ये प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। जबकि अगर टर्मिनल फ्लावर है, अंत है, अंत मीन्स कि उसके आखिरी सिरे पे जाके सारे फूल खिलते हैं मटर के पौधे में, तो वो रेसेसिव अप्रभावी हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, यदि उसके फूल हर एक्सिस, हर अक्ष पे मटर के हर पत्तियों के साथ निकल के तब आगे बढ़ रहे हैं, तब तो ये प्रभावी लक्षण हो गया। यदि मटर के पौधे में सारे फूल उसके ऊपर अपर पार्ट में है, टर्मिनल एंड पे है, तो वो क्या कहलाएगा, रेसेसिव लक्षण होगा। और जो सातवां है वो है तने की ऊंचाई, जिसको हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं बहुत अच्छे से क्लास टेंथ से, वो क्या है, हाइट के बारे में, कि पौधा कैसा है। अगर पौधा मटर का पौधा लंबा है तो आपको पता ही क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। अगर वो मटर का पौधा छोटा है, बौना है, ड्वार्फ है, तो वो क्या है, रेसेसिव करेक्टर। तो यहाँ पे मेंडल के सारे नियम को, मेंडल के नियम की शुरुआत हो गई। उन्होंने मटर को क्यों चुना ये हम समझ गए, मटर को के कितने लक्षणों को लिया, उन्होंने 7 लक्षणों को लिया, और कितने जोड़े लक्षण मिले उनको, ट्रेड्स मिले, तो 14 ट्रेड्स मिले, और उन्होंने 7 करेक्टर्स, 7 लक्षणों के लिए और उनको 14 ट्रेड्स मिले, यानी इसके विशेषक मिले। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।